जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार जी, वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से। तो साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 13.2 जो चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, आज हम लोग देखने वाले 7 और 8, यानी कि चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आपका 13.2। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट, नो टाइम वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे सब्जी फिगर वगैरह सब बना हुआ है। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यार देखिए, एक आपका ठोस है, दिख रहा है ना, यानी कि इसमें हम डाल दिए हैं, इसको देखिए, इसको ये वाला ठोस हमारा है, ये हमारा क्या है जी, ठोस है। इसको ध्यान से समझिएगा, इस ठोस में क्या है, दो चीज है, एक तो हमारा अर्धगोला है, एक ऊपर से क्या है, शंकु है। क्या है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है वह 60 सेंटीमीटर है, उस पर क्या है, एक शंकु 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला अध्यारोपित है। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबित बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। देखिए, इसी को हम यहाँ पे डाल दिए हैं, इस बेलन में इस ठोस को डाल दिए हैं। डालने से क्या हुआ कि पूरा जो है ना, इसका जो तली है, इसका तली जो है, इसको नीचे वाला हिस्सा को तली को पेंदी को स्पर्श करता है, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भर गया है। जाहिर सी बात है, यदि इसमें पानी भरा हुआ है, पानी है और इसको हम डालेंगे तो पानी, जाहिर सी बात है, वह पानी क्या हो जाएगा जी, वह पानी बाहर निकल जाएगा। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, अब देखिए जो त्रिज्या आपका इस ठोस का है वही त्रिज्या हमारा बेलन का भी है, दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए हम क्या बोले, दोनों को छोटी आर ही बोले हैं। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई है बेलन का वह आपका 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सी बात करना है, ये पूरे ठोस का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद ये बड़े वाला बेलन को निकाल लेंगे आयतन, है ना। तो बड़े बेलन का आयतन में ठोस का आयतन को माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा शेष पानी का आयतन। चलिए जी, अब यहां स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आते हैं ठोस में, ठोस की त्रिज्या, ये वाला ठोस है, ये वाला ठोस है, इसका त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, कितना भाई, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई जो ठोस का है वह है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, वही जो आपका ठोस, मतलब वह ठोस का मतलब हो गया शंकु और अर्धगोला, दोनों उसमें आ गया। अब आते हैं बेलन में, आते हैं इसमें, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, ये जो बेलनाकार बर्तन है, ये वाला जो बेलनाकार बर्तन दिख रहा है ना आपको, इसका त्रिज्या आपका है जी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका ऊंचाई जो है, बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई इसको मैंने बड़ी एच कहा है, वो आपका 180 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, निकाल लेते हैं शेष पानी का आयतन। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, ये बड़े वाले जो हमारा बेलन है, बेलनाकार पात्र में, पात्र का आयतन में से क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन को माइनस कर देंगे, तो हमारा शेष पानी कितना इसमें बचा होगा वह निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, देखिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकाल लेते हैं, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन, तो कैसे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन, बेलनाकार पात्र लिखिए, बेलनाकार पात्र का आयतन में घटा देंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, यानी कि बेलनाकार पात्र में नहीं, बेलनाकार जो बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पूरे बर्तन में से क्या करेंगे, जो ठोस इसमें हम डाले हैं ना, यही ठोस जो है, ये वाला ठोस है, ये वाला दोनों सेम है, वही डाले हैं,
तो क्या करेंगे, पूरे बेलन का आयतन में से इस ठोस का आयतन को माइनस कर देंगे। तो ठोस का कैसे कैसे बना हुआ है, ठोस में हमारा एक अर्धगोला है और एक हमारा शंकु है। तो चले, ठोस का जो बेलन है इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका त्रिज्या छोड़ के आर ही बोले, आर स्क्वायर एच। देखिए ई बेलन है, इसका आयतन घटाना है तो पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन हो गया माइनस में ठोस का आयतन। तो ठोस में क्या क्या मिला हुआ है, ठोस में पहले हमारा अर्धगोला है उसका आयतन होता है दो बटे तीन पाई आर क्यू। अब प्लस में क्या है, प्लस में ऊपर शंकु है, शंकु का आयतन होता है वन बटे थ्री पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चलिए पाई कौन लेते हैं कॉमन, क्या जाएगा कॉमन पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच गया यहाँ पे एच बच गया माइनस, क्या समझिएगा दो बटे तो तीन बच गया पाई, यहाँ पे को आर बचा प्लस यहाँ पे एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे बचा एच। चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान 60 था, 60 × 60 देख लीजिए आर का मान कितना था भाई मेरे 60 था। देखिए आर कितना है 60, इसके लिए भी है इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम त्रिज्या है। माइनस ओ एच 180 माइनस 2/3 × 60 प्लस 1/3 × h, एच कितना था, एच था 120, तो हो जाएगा 120। चलिए हाँ, तो 22 × 36 हो जाएगा बट्टे 7 180 माइनस, यहां देखिए अंदर में क्या क्या हो रहा है, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 4 = 12। चलिए देखिए क्या क्या हुआ, यहाँ पे 20 × 2 हो जाएगा 40 और प्लस 40 है तो 22, ऐसा करते हैं अच्छा चलिए गुना कर लेंगे बाद में, 180 माइनस 40 हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा, तो 22/7 × 3600 है, फिर गुना यहाँ घटेगा हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा ना, 180 में घटेगा 80 कितना होगा 100 बचेगा। हम सोचे क्या कहीं कट जाए लेकिन नहीं कटा, चलिए नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको गुना करते हैं, गुना करके भाग दे देंगे, देखते हैं क्या क्या आया आएगा। तो मेरे भाई 36 गुना करना पड़ेगा 22 हो जाएगा आपका 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6 = 1 हो जाएगा 7 × 2 = 7 × 2 = 9 = 7। तो चलिए गुना करने पर कितना आ गया 7 × 9 = 2। अब देखिए यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 कितना हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4 बट्टे कितना है 7। अब चलिए ये तो हो गया, आप चाहे तो इसको इसका आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं फिर भी सही है, यदि नहीं अगर आपका किताब से आंसर मिल रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से भगा दीजिए 7 × 9 = 2 = 4 है तो 7 एकम हो जाएगा 7 खत्म 9 फिर 7 एकम हो जाएगा 7 × 2 = 21 = 1 = 0 फिर 7 एकम हो जाएगा 7 = 1 = 0 फिर 7 एकम हो जाएगा 7 गड़बड़ हो गया 7 × 5 = 35 × 5 = 49। चलिए ज्यादा भगाने देना है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो वह हमारा आ जाता है 1 1 3 1 4 2 8.57 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ जाता है। देख लीजिए आप लोग इतना आंसर है तो ठीक है, यदि इतना आंसर नहीं है तो फिर जो है ना इसको पूर्णांक में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो शेष पानी का आयतन आ गया इतना, आपका इतना आ गया, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा आंसर से, यदि इतना है तो सही है ना, तो आपको पूर्णांक में करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर में हाँ देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 1 1 3 1 4 2 8.57 है। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है
एक मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे पावर 3 है, यानी आप 3 को 100 से भागा लगा सकते हैं। आपको यह क्या बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव बुला देंगे और आपका 00 आ जाएगा। तो 1 1 3 1 4 2 8 5 7, 4 2 6 2 8 0 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आपका हो जाएगा, यानी कि 1.1314 मीटर क्यूब। पिछला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो सवाल है साथियों, देखिएगा, एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक कोई जो है ना घैला है, उसका जो गर्दन है एक जो है ना बेलन के आकार का है। थोड़ा बड़ा थोड़ा डिजाइन से बनाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा ऐसे रहता ना घूम के अच्छा रहता। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये जो गर्दन बेलनाकार गर्दन है, इसका ऊंचाई जो है ना 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है ये 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये वाला व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, मतलब अंदर का माप है, और पाई का मान 3.14 लीजिए। यानी एक बच्चा ने इसका आयतन निकाला है कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग भी क्या करेंगे, इस पूरे पात्र का आयतन निकालेंगे। यदि इतना आ गया तो बच्चे का मापन सही है, यदि इतना आयतन नहीं हुआ तो बच्चे का मापन गलत हो जाएगा। चलिए पहले आते हैं बेलनाकार, बेलनाकार भाग का व्यास। देखिए बेलनाकार भाग का व्यास जो दिया गया वो आपका दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग का जो है ना ऊंचाई जो दिया गया है वह आपका है 8 सेंटीमीटर, राइट। अब आते हैं नीचे गोलाकार, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास जो है वो आपका 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए निकाल लेते हैं त्रिज्या आपका हो जाएगा 8.5 बट्टे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी इसको कटा भी सकते हैं या फिर इसे छोड़ दीजिए। अब निकाल लेते हैं पूरे पात्र का आयतन। चलिए पात्र में पानी का आयतन, तो इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा एक बेलन है, बेलन प्लस गोले का आयतन को जोड़ देंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कौन आ जाएगा, पाई बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस बचेगा 4/3 आर क्यूब। पाई का मान शायद बोला गया है 3.14 लीजिए, तो 3.14 लेना है। अब आर स्क्वायर, छोटी आर जो है हमारा कितना है, एक है, तो एक गुना एक गुना एच, एच कितना था भैया, एच 8, चलो एच 8 प्लस 4/3 गुना आर क्यूब, बड़ी आर कितना है 8.5/2 है, तो 8.5/2 गुने 8.5/2 गुने 8.5/2, राइट। चलिए जी अब इसको अच्छी तरह से गुना करते हैं। 3.14 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस कट रहा है क्या, दशमलव उड़ा देंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यह कट रहा है 5 से, 5 × 20 17 × 5 = 85, फिर 5 × 20 17 × 5 = 85, 5 × 20 17 × 5 = 85, ये 4 से ये 4 खत्म हो गया। चलिए अब 17 × 17 आपका हो जाएगा 289, फिर गुना हो जाएगा 17, अब बट्टे नीचे कितना है 4 × 16 = 16 हो जाएगा 48, ठीक। अब 3.1414 अब लघुत्तम निकालेंगे, इसका लघुत्तम हो जाएगा कितना 48, 8 8 64 बचा कितना
छो और आठ चौक बत्तीस और छो हो जाएगा अड़तीस प्लस। अब इसको गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए। सत्रह नामे कितना होता है, एक सौ तिरपन के तीन बचा कितना पंद्रह और सत्रह अठे एक सौ छब्बीस, छ पांच ग्यारह की एक, तीन एक चार एक होगा एक, कितना बचा चौदह, सत्रह तो नहीं हो जाएगा चौतीस, आठ तीन एक चार हो गया आठ चार राइट। अब थ्री पॉइंट वन फोर इंटू चार तीन हो जाएगा सात, एक आठ हो जाएगा नौ, आठ तीन हो जाएगा ग्यारह, चार एक हो जाएगा पांच, बट्टे हो जाएगा अड़तालीस जी। अब क्या कट रहा है, दो से कट रहा है, दो दो नी चार, दो चौक आठ, चलिए दो एकम दो, दो पंचे दस, दो सत्ती चौदह। अब नहीं कटेगा, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे इसको। क्षेत्रमिति में थोड़ा गुना ज्यादा आ जाता है, तो बच गया आपका 1.57 इंटू इक्यावन संतानवे बट चौबीस। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं, 1.57 तो कितना आ जाएगा, चलिए जब हम इसको गुना किए इतना आ गया और इसको भगा दिए इतना आ गया। लेकिन देखिए बच्चा कितना लाया था, बच्चा जो है बच्चा का आयतन है 345 और मेरा कितना आ गया है 339। इसका मतलब है बच्चे द्वारा मापे गए माप जो है वह गलत है, क्या लिखेंगे, अतः बच्चों द्वारा की गई माप गलत है, यानी बच्चा ने जो माप किया है वो बच्चों के द्वारा की गई माप जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत है।